इसे तस्वीर भी निकाल के उधर भेजे अमेरिका में। अच्छा तो फिर सेवल में गए थे आप, फिर ना ट्रामा लेकर गए। ट्रामा वाले ने बोला इसका इलाज तो हो जाएगा, कहते इसका ऑपरेशन भी हो जाएगा इसका, जिससे पहले जबान का होगा फिर बाद में इसका इस सेट का कान का ना फिर होगा। अस्सलामु अलैकुम, रमजान मुबारक। एक दिन की नेकी सेगमेंट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और आज हमारे साथ हैं शाजिया। शाजिया से हम बात करते हैं, उनके साथ उनका बहुत प्यारा क्यूट बेटा भी है। अस्सलामु अलैकुम शाजिया। वालेकुम सलाम। मुझे पता आपको उर्दू नहीं आती है ना? आती है लेकिन घबराती हूँ। क्यों, उर्दू से क्यों घबराती है? अच्छा मतलब आपको लगता है कि कुछ गलत, मैं समझ जाऊंगी। आप बोलना, मैं समझ जाऊंगी। सही, ओके। कैसी हो आप? ठीक हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 जुड़वा बेटी है और 1 बेटा है। उमर जान, कितना प्यारा नाम है। उमर जान कैसे हो आप? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। उमर जान पोयम आती है? पोयम सुना दो। फिर EF जी, हाँ क्यूट। हाँ ओके, सही है, उमर पास है। ये स्कूल जाते हैं? नहीं, ट्यूशन आते रहते हैं। अच्छा, इसीलिए इसी वजह से नहीं जा रहे, इसका जबान बाहर है ना, इसीलिए। हाँ सही हो जाएगा इसका इलाज तो स्कूल दाखिल करो। बिल्कुल, हम अपनी ऑडियंसिस को जो आप बताने जा रहे हैं वो यही बताने जा रहे हैं, उनकी वालदा ही बताएंगे। बल्कि आप थोड़ा सा उमर के बारे में बता दें, फिर मैं आगे बात करती हूँ। सही है, पहले मैं इसको उधर लेकर जीना हॉस्पिटल लेकर गए, तो डॉक्टर जमशेद नहीं सर्जन नहीं डॉक्टर, तो इसने बोला इसका इलाज तो हो जाएगा लेकिन इसका जबान हम लोग काटेंगे ना, तो ये बोल नहीं सकेगा। तो मैंने तो बोले, हम लोगों ने मना किया साहब ना, तो फिर गए हम आगा खान गए थे, आगा खान डॉक्टर नौरीन के पास। तो उसने गोलियाँ दिए ना, कहते गोलियाँ सही हो जाएगा ना ये, तो मैं गोलियाँ मैंने दिए, मैंने कहा आज 3-4-7 साल इसको गोलियाँ दिए, तो इसका जबान सही नहीं हुई को हुई है ना। ठीक है, तो इसने मना किया, कहते नहीं आओ, फिर इसका फ़ायदा नहीं है, सही नहीं हो रहा। तो हम लोग सोच रहे कहाँ जाए ना, फिर आखिर में हम लोग फिर सेवल गए थे। सेवल गए थे, सेवल वाले ने बोला इंडस जाओ ना, इंडस इंडस हॉस्पिटल। हाँ इंडस गए थे, इंडस वाले ने तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, जैसे हम लोग तक गए ना, तो कि आज नंबर आएगा कल आएगा। हाँ, जैसे 1 महीने के बाद आ, 2 महीने के बाद। सही, इसका इलाज नहीं होगा ना, इलाज ही नहीं होगा, इसने ऐसे ही मना किया ना। तो अच्छा, फिर कहते गोलियाँ इसकी उधर से आएगी, कहते अमेरिका नहीं है वहाँ से इसको गोलियाँ आएंगी, गोलियाँ से सही हो जाएगी दवाई ना। अच्छा, तो इसने 1-2-3 महीना इंतजार की, दवाई गोली इसकी नहीं आई ना। तो ये आपको हॉस्पिटल वालों ने बोला था कि वो आपको दवाई ला के देंगे? हाँ। अच्छा ठीक है, तो इसने बोला इसे तस्वीर भी निकाल के उधर भेजे अमेरिका में। अच्छा। हाँ अच्छा, तो फिर सेवल में गए थे आप, फिर ना ट्रामा लेकर गए। ट्रामा वाले ने बोला इसका इलाज तो हो जाएगा, कहते इसका ऑपरेशन भी हो जाएगा इसका, जिससे पहले जबान का होगा फिर बाद में इसका इस सेट का कान का ना फिर होगा। ड्रामा वाले ने भी तारीख जैसे दिए, कहते सेवल के अंदर जाओ, इसका बच्चे को ओपीटी है, तो उसका ओपीटी लगी तो वहीं पर लेकर जाओ। तो मैं वहीं पर लेकर गई। तो क्या, सॉरी मैं आपकी थोड़ी सी बात काट रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप उमर का मास्क उतार दे, ताकि जो हमारे देखने वाले ऑडियंस है ना वो देखे, तो आप साथ साथ बोलेंगे तो वो समझ भी सकेंगे कि बात क्या हो रही है। आप उमर का मास्क उतार सकती हैं? ओके, ये है उमर, ठीक है। फिर सेवल वाले ने बोला तो इसका इलाज वहाँ पर अमेरिका में होगा। तो हम लोग तो हैरान हो गए, अभी कहाँ से इसका पैसा लेकर अमेरिका लेकर जाए इसका इलाज करे। तो इसी टेंशन में हम लोग घर में सोचते रहते थे ना, फिर होते रहते थे बच्चे को देख कर ना, जो आता था ना, इसीलिए कुछ नहीं बोला। माइंड मत कीजिएगा, मेरा सिर्फ एक सवाल है उमर को देख के, कि फिर उमर किस तरह खाते पीते हैं? इसे कोशिश करते खाते, कभी कभी जबान भी इसका दर्द होता है। अच्छा। सर्दियों में ज़्यादा, एक पता नहीं कितने साल की थी, तो इस साल का था, तो इसने जबान में ना दो कोन आए इसके जबान में ना। अच्छा। कोन से भरा होता। फिर हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने तो दवाइयाँ लिख कर दिए, दवाई सही हो गए फिर। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर्स ने क्या बोला है इनके बारे में? डॉक्टर ने बोला इसका इलाज हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ बोला था, इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा, मेरे को भी अल्लाह से यकीन, इंशाल्लाह सही होगा। बिल्कुल, बेशक बेशक। हाँ। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि कौन से हॉस्पिटल में होगा? तो बाहर बाहर, हाँ अमरीका।
अमेरिका में, अमेरिका लंदन वगैरह वहाँ पर, वहाँ पे होगा इसका इलाज। इस बीमारी का नाम क्या है, इसे क्या कहते हैं, थोड़ा सा बता देना कि मुझे भी और देखने वाले लोग। जैसे इसका कहते एक नस नहीं है, नस दबा हुआ है। अच्छा, नस दबी हुई है। अच्छा, और ये है कब से हुआ, वो कब से ये उम्र? ये 6-7 महीने के बाद, इसकी उम्र की पैदाइश के 6-7 महीने। हाँ, पहले बिल्कुल सही था, इसका दबा नहीं, अंदर ही था। अच्छा, उसके बाद हुआ है। तो डॉक्टर ने माशाल्लाह आपको उम्मीद दिलाई अल्लाह के हुक्म से कि ये इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन इनका इलाज पाकिस्तान में नहीं है। नहीं है। अगर वहाँ से कोई आपको यहाँ पे मेडिसिन भेजे, मेरे को यकीन है ये पाकिस्तान में इसका इलाज होगा, ये लोग खुद नखरा करते हैं, जैसे टाइम ही देते। अच्छा, आपको ये भी है। अब मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों ने उमर को देखा, उमर का इलाज जो है उनकी माँ कह रही है कि मुमकिन है यहाँ पाकिस्तान में भी, और जो माँ का दिल होता है ना वो कभी भी गलत गवाही नहीं देता। तो वो कौन सा हॉस्पिटल है जो डिले कर रहा है, क्यों नहीं इलाज कर रहे, किस बात का डिले है, मुझे समझ में नहीं आती कि क्यों हम ऐसा कर रहे होते हैं। हमें जवाब दें, मतलब वो जवाब दें होंगे एक दिन। अगर तो यहाँ पे इनका इलाज नहीं होता और कोई चाहता है अमेरिका से इनको बुलवाना कि वहाँ पे बुलवा के आप इनका इलाज करवाना चाहे तो आप करवा सकते हैं। शाजिया जी का नंबर या इनके हस्बैंड का नंबर मैं या स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। बच्चा बहुत ही प्यारा, बहुत क्यूट है, और डॉक्टर ने बहुत होप दिलाई है कि इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो फिर क्यों ना आप इनकी हेल्प करें और उमर जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए। शाजिया जी, हम आपके लिए राशन लेके आए हैं रमज़ान का, ठीक है, हमारी तरफ से आपके लिए। आप तो आते हैं हमें अपनी कहानी बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लेकिन खाली हाथ अच्छा नहीं लगता कि आप जाएं। तो इसमें रमज़ान का सारा सामान है, राशन है, ईद के जोड़े। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरेगा, और जो नंबर हम टीवी स्क्रीन्स पर चलाएंगे, मुझे अल्लाह पाक से पूरी उम्मीद है कि आपको कॉल जाएंगी और इंशाल्लाह ताला उमर का इलाज होगा। इंशाल्लाह, अल्लाह से यकीन है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।